ए रुक ए रुक हाथ रख दे रे ए पकड़ो उसको रुक ए पकड़ो 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 और ना नहीं तो मैं भागता नहीं भागता के रुक ए रुक चलना वो जा रहे हैं नहीं मुझसे और नहीं भागा जाता मैं नहीं आऊंगी प्लीज आना इस तरह किसी की जान लेते वक्त ऐसा वीडियो शूट करने के बजाय हमें उसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए हम भला उसे कैसे बचा सकते हैं मतलब वो लोग उसे मार देंगे देख भगवान ऊपर से सब कुछ देखता है उस आदमी की रक्षा करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में जरूर आएगा लक्ष्मी पूजा रुकनी नहीं चाहिए देवाय नमः स्वाहा ओम वरुण देवाय नमः स्वाहा ओम इंद्र देवाय नमः स्वाहा घी डालो बेटी तू ही इन कमीनों का बाप है ना अच्छा बजा रहे थे तुम लोग अब क्या साफ सुन गया क्या बजा रहे देखा? साला कमीना छुपकर इधर बैठा है ए, मैंने तुझे पैसे उसे मारने के लिए दिए थे यहाँ झूला झूलने के लिए नहीं उसे क्या समझ रखा है मुझसे एक काम नहीं होगा हा? उसका ट्रांसफर हुआ है ये सोच के मैंने ये काम लिया था अपने बॉस से कह दो मुझसे ये नहीं होगा अरे किधर जा रहा है
तेरा मकसद तो अब पूरा होने ही वाला है। उसे भी तुझ जैसा ही कोई चाहिए था जिसमें मुकाबला करने की बिल्कुल भी हिम्मत ना हो। घर वालों को तू पसंद कैसे आ गया? इस बात को आप जरा साइड में रखिए, आप मर्द और मर्दानगी की बात ना करें। आपकी नजरों में मर्द कौन है? लड़कियों की तरह हंसने वाला जिसके जिस्म में गर्म खून ना हो वो मर्द नहीं होता। जिसकी बाजुओं में दुश्मन को ढेर करने की ताकत हो वो होता है असली मर्द। जो शेर की तरह बिना हथियार के अपने एक ही वार से दुश्मनों को धूल चटा दे वो कहलाता है असली मर्द। हाँ, एक दूसरे को मारना काटना यही मर्दानगी है? हाँ, ये सब राजा महाराजाओं के जमाने में होता था, उन सब की समाधियां बन चुकी हैं। ये सब क्या लगा रखा है? दम, जिगर, प्यार से दुश्मन का दिल जीतना, यही मर्दानगी है। उसके लिए यहाँ दम चाहिए। ट्राई करना चाहेगा? भाई, इसकी मर्दानगी सिर्फ इसकी बातों में है। लड़ाई की बात करो तो ये लड़कियों की तरह बहाने बनाता है। दुश्मनों को मोहब्बत से जीतने का उसूल तूने बनाया होगा, हमारा तो उसूल है दुश्मन से नफरत और सिर्फ नफरत। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसकी बोल बच्चन वाली सारी मर्दानगी हवा बनाकर हवा में उड़ा दे भाई। तुमने जो कहा वो मैंने किया, अब जो मैंने कहा वो करो।
चाहे तेरा।